So let's start with the next exercise, that is practice set 3.4 word problems. अब ये word problems है ना, ये बहुत easy है, provided you read the question very properly, very clearly and एकदम ध्यान से आप पढ़ोगे तो word problems are very simple. So let's start with the first question. वो क्या बोल रहा है? On 1st January 2016, सबका ध्यान screen पे. On 1st January 2016, Sanika decides to save 10 rupees. मतलब पहला जनवरी को सानिका बोलती है और 10 रुपया बचाएगी. ऑन सेकेंड डे सानिका ने 11 रुपया बचाया. 12 ऑन थर्ड डे, मतलब थर्ड डे पे सानिका ने 12 रुपीज बचाया. इफ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, सेव लाइक दिस मतलब कितना कितना रुपया सेव करते जा रही हो, एक एक रुपया एक्स्ट्रा सेव करती जा रही है एवरी डे. मतलब फर्स्ट डे 10, सेकेंड डे 11, थर्ड डे 12, तो फोर्थ डे कितना रहेगा? 13. नहीं नहीं, फोर्थ डे 14 नहीं, 13. फिफ्थ डे 14, उसका नेक्स्ट डे 15. मतलब सानिका एवरी डे कितना रुपया ऐड करते जा रही है, 1 रुपी का सेविंग करते जा रही है. तो इधर बोल रहे देखो, इफ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, सेव लाइक दिस मतलब एन एडिशन ऑफ 1 रुपी एवरी नेक्स्ट डे, देन ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग. द वर्ड टोटल सेविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. टोटल सेविंग मतलब सानिका टोटल कितना रुपया जमा करेगी उतना दिन में. तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे साल में दिन कितना होता है. अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. बोलो ना, साल में दिन कितना रहता है? 365. कभी कभी 365 रहता है, कभी कभी 366 रहता है. कभी 365 रहता है, कभी 366 रहता है. लीप ईयर में 366 रहता है. लीप ईयर में 366 रहता है. वेरी गुड. अभी मेरे को बताओ कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा साल लीप ईयर है? अगर 4 से डिवाइड होगा तो. गुड क्वेश्चन, गुड आंसर. मतलब सर अगर 4 से डिवाइड होता रहेगा ना तो वो लीप ईयर है. मैं तुमको ना दो तीन चीजें सिखा देता हूँ, दो तीन चीजें मतलब ऐसा कुछ जनरल नॉलेज. ठीक है, सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि हर महीने में ना दिन कितना रहता है. जनवरी में कितना दिन रहता है? 31. फरवरी में, फरवरी में नॉर्मल ईयर रहेगा तो फरवरी में 28. फिर उसके बाद मार्च में 31. अभी जिसको नहीं आता ना तो एक तरीका है ये अंगे से रखने का. ऊपर वाला जनवरी, ये नीचे आया फरवरी, ऊपर वाला मार्च, ये नीचे आया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर ऑफिस से स्टार्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. अभी तुम बोले सर मेरा दोनों हड्डी जॉइंट है, मैं क्या करूं? ए आई सब टाइम पास नहीं करने का. मैं तुमको बता रहा है, समझ में आ रहा तुमको? ऊपर आया 31, नीचे आया 28 या 30. अभी तुम बोले सर लीप ईयर कैसे मालूम पड़ता है? मैं तुमको एक सिंपल शॉर्टकट समझा देता हूँ. याद रखो 2000 इज अ लीप ईयर. तो 2000 में ना 4-4 ऐड करते आने का. 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 ये सब तुम्हारा लीप ईयर है. तो सर लीप ईयर का खासियत क्या रहेगा? लीप ईयर का खासियत ये रहता है कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर विल बी 366 डेज. मतलब फरवरी में कितना दिन रहेगा? 29 डेज रहेगा. समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फाइन. अगर बर्थडे रहेगा तो? बर्थडे रहेगा तो उसका बर्थडे 4 साल में एक बार आता है. ऐसा होता है, बहुत लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. तो एक मिनट, मेरे को सब में क्या पूछा है? व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग. अभी देखो एकदम ध्यान से सुनना तुम. टोटल सेविंग मतलब इधर है ना, तुमको वो एस एन पूछ रहे. एस एन मतलब सम. अभी एस एन जानने के लिए एस एन का हमारे पास फॉर्मूला है. एस एन का फॉर्मूला क्या था? एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d. मतलब मेरे को a चाहिए, मेरे को n चाहिए एंड मेरे को d चाहिए. मेरे को सब मिलेगा, सब मिलेगा. बहुत इजी है ये. तो a मतलब फर्स्ट टर्म. फर्स्ट डे पे ये सानिका ने कितना सेव किया था? 10 रुपया. तो मेरा a इज 10 रुपीज. a मिला 10. d मतलब कॉमन डिफरेंस. कितना रुपया से बढ़ते जा रहा है? 1 रुपी ना. तो मतलब ये सेकेंड डे माइनस फर्स्ट डे तो 1. नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना इन ईयर? 366. तो दिस इज माय n. तो मेरे को n मिला, a मिला, d मिला. मैं फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेगा एंड आई विल गेट द आंसर. तो लेट्स सी कैसे जाता है. देखो सानिका डेली सेविंग इन 2016 आ रहा है फॉलोस 10, 11, 12, फिर नेक्स्ट डे 13, 14, 15, 16 ऐसा चलते जाएगा. अभी आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, दो तीन लिखा बस हो गया. तो इसमें मेरे को मेरा मालूम पड़ा कि द अबव सीक्वेंस इज इन AP बिकॉज उनका डिफरेंस इज सेम. तो मुझे मालूम पड़ा a इज 10, d इज 1. नंबर n कैसे मिलेगा मेरे को? 366. व्हाई? बिकॉज 2016 इज अ लीप ईयर.
ये समझा ना सबको. तो यहाँ पर मुझे क्या पूछा, यहाँ पर लोग मेरे को पूछ रहे टोटल सेविंग. टोटल सेविंग मतलब एस एन पूछा है, तो द फॉर्मूला दैट आई विल यूज विल बी एस एन का फॉर्मूला. तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी. तो एन इज 366 अपॉन टू, ए का वैल्यू इज 10 एंड वो वैल्यूज में यहाँ पर सब्सिट्यूट करूंगा. तो इसको मैंने डिवाइड किया, टू वन जा टू 183 जा, ये 2 इंटू 10 इज 20, 366 माइनस 1 इज 365. तो इट विल बी 183 ब्रैकेट में 20 प्लस 365, तो 183 इंटू 385. तो एक सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन तुम करेगा तो तुमको टोटल मिलेगा 7455. तो सानिका ने पूरा साल में दिसंबर तक कितना पैसा बचा है उसने खुद के लिए, 70,455 रुपीज. ये रुपीज इज इम्पोर्टेंट, ये नहीं लिखने पे तुम्हारा हाफ मार्क कट कर देंगे लोग, क्योंकि पैसे का बात हो रहा है ना, तो रुपीज इज इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पर टोटल सेविंग पूछा, टोटल सेविंग पूछा तो मैंने एस एन का फॉर्मूला लिया. टी एन का फॉर्मूला कब आता मन में, अगर वो लोग बोलते थे ना कि लास्ट डे पे 31 दिसंबर को सानिका ने कितना सेव किया, समझ में आ रहा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ, 31 दिसंबर का उसका बताओ सेविंग, तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करता था, टी एन का. मतलब मैं बोलता 31 का बताओ तो टी एन का फॉर्मूला. अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ पूरा कितना सेव किया, टोटल मारो, टोटल मतलब सब, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला यूज किया. तो मैं ऐसा तुमको समझाएगा, I want you all to, you know, pay clear attention and तुम्हारा ध्यान पूरा समझो होना चाहिए. If anyone has any doubt, difficulties, let me know. बताओ मेरे को, अब भी कभी बता दो क्या doubt है, बोलो बोलो किसको कुछ doubt है. तो very simple sir, doubt किसी को doubt है, any doubt नहीं है doubt, चलो write this down, लिख लो. सब लोग ये solution लिख लो, question लिखने का जरूरत नहीं है. प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्यूशन 1 डाल के सॉल्यूशन लिख देना. जहां जहां पर मैंने ब्रैकेट में रीजंस दिया ना, वो रीजंस लिखो, ठीक है. यानी रुपीज साइन लास्ट में डालना, भूलना मत, लिख लो फटफट, ठीक है. लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 2. क्या बोल रहे, जरा हम सम पढ़ते ध्यान से. अ मैन बोरोज रुपीज 8,000. अरे स्क्रीन के बीच में, अ मैन बोरोज A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1360 in 12 monthly installment. मतलब एक इंसान है, उसने कितने का लोन लिया है, 8,000 रुपए का लोन लिया है, एंड वो कितना इंटरेस्ट भरेगा उस पर, 1360 का इंटरेस्ट भरेगा. कितना इंस्टॉलमेंट में भरेगा बोलता है, 12 इंस्टॉलमेंट चाहिए उसको, ठीक है. ईच इंस्टॉलमेंट बींग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय रुपीज 40. सबसे पहले मेरे को बताओ, अगर तुम लोन लेते हैं, अभी मैंने 8,000 का लोन लिया है एंड मैं 1360 भर रहा हूँ, इंटरेस्ट भर रहा हूँ, तो मैं लोन लेने के बाद क्या भरूंगा, सिर्फ इंटरेस्ट भरूंगा कि लोन का अमाउंट भी भरूंगा? लोन का अमाउंट भी. बराबर है ना. अभी तुम बैंक से, अगर मैं बैंक से 1,00,000 रुपए लेता हूँ और बैंक मेरे को बोलता है इसमें 10,000 रुपीज इंटरेस्ट लगेगा, तो मैं बैंक को सिर्फ 10,000 ही वापिस करेगा? नहीं, मैं बैंक को 1,00,000 भी वापिस करेगा प्लस 10,000 भी वापिस करेगा. ऐसे तो बैंक लूट जाएगा ना, 1,00,000 रुपए मेरे को देके 10,000 ही में उसको वापस दूंगा, तो बैंक तो क्या खड्डे में. समझ में आ रहा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं कुछ चीजें लिखता हूँ. तो मैं टोटल अमाउंट जो मैं रीपे करेगा, ठीक है, टोटल अमाउंट टू बी रीपेड विल बी 8,000 प्लस 9360 is the total amount that I need to repay. And कितना installment चाहिए मेरे को? मतलब मैं 12 किस्त में, मतलब 12 installment में भरूंगा. लेकिन वो installment का ना एक sequence देके रखा है. बोलते हैं, अगर तुम ध्यान से पढ़ेगा तो यहाँ पर बोल रहा है each installment being less than the preceding one by 40. Now let us understand. तेरा ध्यान से सुनो. सपोज अगर मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो मैं भर रहा हूँ ना, वो है 500 रुपए का. ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. तो मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा? मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट रहेगा 500 माइनस 40, दैट इज 460 रुपीज. थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा? 420 रुपीज सर. मतलब मेरा रहेगा 460 माइनस अगेन 40, तो 420 रुपीज. मेरा फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना रहेगा? 400 रुपीज. क्या 400 रुपीज, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? 380 रुपीज सर. तो ये 380. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का रहेगा?
340 ये समझा सबको, बोलते हर एक इंस्टॉलमेंट कितने से कम होते जाएगा, 40 से कम होते जाएगा। तो अगर मैं तुमको बोलेगा यहाँ पर मेरा कॉमन डिफरेंस डी कितना है, डी अगर मैं तुमको पूछेगा ना, तो 99% स्टूडेंट है ना इसको रॉन्ग ही बोलते हैं। बोलो ना मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस 40। तुम लोगों 1% में आता है, तो मेरा डी इज -40 एंड नॉट 40। अगर तुम सिर्फ 40 लिखेगा ना, तो तुम्हारा पूरा सम का वाट लग जाएगा। तो माइनस 40 कैसे है सर, डी का फॉर्मूला क्या था, इफ दिस इज T1 दिस इज T2, तो मेरा डी का फॉर्मूला था T2 माइनस T1 दैट इज 460 माइनस 500 दैट गिव्स मी माइनस 40। आई होप ये सबको समझा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस सब, कि माइनस 40 कहाँ से है। बहुत स्टूडेंट लोग है ना एग्जाम में एक पूछते हो लोग क्वेश्चन, गाय गाय में है ना गलत लिख के आ जाता है, गाय गाय में 40 लिख के आ जाएगा एकदम खुशी खुशी में और रॉन्ग होएगा, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो लेटेस्ट टेक क्वेश्चन, पूछ क्या रहे हो, बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। बोलते हैं ए ढूंढो या T1 ढूंढो, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब TN ढूंढो, ठीक है। सुना ना सब लोग, अभी क्या क्या दिया है मेरे को, जरा देख लेते। तो मेरे को दिया है द इंस्टॉलमेंट्स आर इन AP, द अमाउंट दैट नीड टू बी पेड इन 12 मंथ्स आर, पहला तो मैं 8000 भी भरेगा प्लस उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी भरेगा, मतलब मेरा टोटल अमाउंट That is my S12 is 900 and 360. S12 मतलब the total sum of the amount that I need to pay in my 12 installments. तो अभी S12 है, तो मैं directly S12 का formula substitute करेगा। अभी S12 का formula substitute करने के लिए मेरे को A चाहिए, लेकिन A नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे को ढूंढने बोला है ना, first term ढूंढने बोला है। First term क्या है, first term is T1 या उसको A भी बोलते हैं, तो A मेरे को वहां से मिल जाएगा। D मिला मेरे को, D common difference मिल गया मेरे को। तो देखो मैं यहाँ लिखेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एन इज 12 एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द प्रीसीडिंग 1/40, तो मेरा डी इज -40। सो आई विल सब्स्टिट्यूट एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। द ओनली मिसिंग फिगर यहाँ पर विल बी a का, जो सॉल्व करने के बाद मुझे आ जाएगा। तो S12 इज 12 अपॉन 2, 2a प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -40। 9360, ये 12 अपॉन 2 विल गिव मी 6, 12 माइनस 1 इज 11, तो 11 माइनस 40 का सॉल्विंग यहाँ आगे करते हैं। तो ये कैसा आया, 2a और 11 इनटू माइनस 40 विल गिव मी -440, तो ये 6 विल बी टेकन ऑन द अदर साइड, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके होगा डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद मेरे को आंसर आएगा यहाँ पर, ये तुम डिवाइड करेगा तो तुमको आंसर आएगा ये 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस 440 will be taken on the other side. So -440 will become +440. So 560 plus 450 will give me 2000. So ye 2a hai. 2a matlab 2 multiply by a. So 2 ko dusre taraf leke jao. So mere ko milega 2000 upon 2, that is 1000. So a is nothing but my T1, that is my first term. So mere ko mil gaya mera first term as 1000 rupees. अभी फर्स्ट टर्म मिला मेरे को, बोलते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट ढूंढो, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब TN। बोलो TN का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ पर मैं डाल देगा TN इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। a का वैल्यू मिल गया मेरे को, n और d भी मुझे पता है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करेगा तो मेरा T12 का वैल्यू विल बी 560 रुपीज। आई होप ये क्लियर है। तो मैं लास्ट में लिख देगा, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 and the amount of the last installment is 560 rupees. Anyone has any doubt, please let me know. ये important sum, मतलब ये exercise में ना, अगर तुम बोलेगा ना थोड़ा difficult sum, मतलब यही है, इसके बाद का सब समय ना बहुत easy है, मतलब तुम खुद ही बताएगा कि सर ऐसे ऐसा कर दो आ गया। ये एक थोड़ा difficult है, इसको थोड़ा ऐसा important तुम लोग mark करके रख देना, and इसको practice करेगा ना तो आएगा ये, ठीक है। लिख लो ना जरा solution, लिख लो सब लोग ध्यान से, ठीक है। चलो लेट्स टेक अप द थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, लेट मी फर्स्ट रीड, उसके बाद तुम लोग मेरे को बताओ तुमको कुछ समझा कि नहीं। सचिन इन्वेस्टेड इन द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, एक स्कीम है उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। इन द फर्स्ट ईयर इन्वेस्टेड रुपीज 5000, वेरी गुड, 5000 रुपया पहला साल। इन द सेकेंड ईयर इन्वेस्टेड रुपीज 7000, इन द थर्ड ईयर 9000 एंड सो ऑन। मतलब इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देर इज अ पैटर्न इन हिज सेविंग। Yes. क्या पैटर्न है, द अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय 2000 रुपीज एवरी ईयर।
सिंस द अमाउंट जो इंक्रीज हो रहा है इट इज इक्वल देन वी कैन से दैट उसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न इज इन एपी. आगे क्या बोल रहे हो लोग, फाइंड द टोटल अमाउंट. देखो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फाइंड द टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 इयर्स. तो व्हिच फार्मूला? SN फार्मूला. तो यहां पर मैं लिख दूंगा द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इन द ईयर आर 5000 7000 9000. ठीक है, प्लीज प्लीज ऑब्जर्व. उसके बाद हम लोग करते हैं. हमको मालूम है द अबव सीक्वेंस इज इन एपी. तो मेरे को मालूम पड़ेगा मेरा ए इज 5000, डी इज 2000, एन इज 12. एन 12 क्योंकि दिया है उधर 12 साल उसने किया है तो नंबर ऑफ इयर्स इज 12. तो मैं SN का फॉर्मूला डाल देगा तो आई विल गेट n अपॉन 2 इज 2a प्लस n माइनस 1d. वेरी सिंपल, जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर. थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, बिना मिस्टेक के करेंगे तो तुमको मिल जाएगा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सचिन इज 1,92,000. आई होप ये क्लियर है. अगर मैं तुमको बोलता था कि 12th ईयर में उसने कितना इन्वेस्ट किया तो तुम कौन सा फॉर्मूला लगाता? TN. 12th ईयर बोलेगा तो TN. अगर तुमको पूरा साल पूछेगा ना लोग तो SN का फॉर्मूला लगा. समझ में आ रहा ना तुमको? बहुत लोग कहने डिफिकल्ट रहता है, लोगों को समझ में नहीं आता कौन सा फॉर्मूला कभी इस्तेमाल करते. टोटल पूछेगा तो SN. अगर तुमको एक साल का पूछेगा इंडिविजुअल दो साल का बताओ तो इट विल बी TN. क्लियर? क्लियर. गिव मी अ थम्स अप एवरीबॉडी. क्लियर? फाइन. If anyone has any doubt, please let me know. मेरे को बताओ. नहीं है तो you can start writing. किधर भी कट शॉर्ट मत करना. जैसे मैंने लिखा है वैसे एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन में लिखो. Let's take up the next sum, that is sum number 4. ठीक है, I want every student to read it and मेरे को बताओ कि क्या करना है. पूछ क्या रहा है वो, क्या क्या पूछ रहा है. ठीक है, जरा पढ़ते हैं. There is an auditorium with 21 rows. There is an auditorium with 21 rows of seat. Row समझते हैं? Row मतलब ऐसा. एक दो तीन चार पांच छह सात आई थॉट 21 rows, 27 rows है. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. मतलब एक ऑडिटोरियम है जिसमें पहले इसमें 20 लोग है, दूसरे इसमें 22 लोग है, उसका नेक्स्ट इसमें 24 है, उसका नेक्स्ट इसमें कितना रहेगा कोई बता सकता है? 26. मतलब ऐसा चलते जाएगा. ऐसा कितना रोज है? 27 रोज है. ठीक है, नेक्स्ट में 26, उसके बाद में 28, उसके बाद में 30, ऐसा चलते जाएगा. तुमको क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन का. फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. Which formula will be utilized? TN. TN. मतलब तुमको यहाँ पर T15 find करने का. Fine, easy. Next बोलो, next देखो आगे क्या बोल रहा है. And also find how many total seats are there in the auditorium. SN. मतलब मेरे को इधर find करने का है. मेरे को T15. यहाँ पर मुझे चाहिए T15 एंड यहाँ पर टोटल सीट मतलब मेरे को S27 चाहिए. S27 क्यों? बिकॉज देयर आर 27 रोज सर. तो लेट्स सी हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस. वेरी सिंपल सर. तो मैं पहला लिखेगा द नंबर ऑफ सीट अरेंज रो वाइज. तो नंबर ऑफ सीट जो अरेंज हो रहा है आर एस फॉलोस, दैट इज 20, 22, 24 एंड सो ऑन. सो दिस नंबर इज इन एपी. तो सिंस इट इज इन एपी मेरे को मालूम है मेरा फर्स्ट टर्म विल बी 20, सेकंड टर्म इज मतलब द डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज 2. तो TN का फॉर्मूला आई विल अप्लाई. तो TN मतलब वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका. तो T15 विल बी a प्लस n माइनस 1d. तो a प्लस n माइनस 1d इफ यू सॉल्व यू विल गेट T12 एंड नॉट T12, यहां पर इट शुड बी T15. तो T15 विल बी 48. दिस इज माय फर्स्ट आंसर. नेक्स्ट वो लोग ने क्या बोला है मेरे को? वो लोग बोल रहे हैं हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर देयर. टोटल नंबर मतलब दे वांट SN का फॉर्मूला. तो S27 विल बी 27 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1d. तो 27 अपॉन 2, तो 2 इनटू 20 विल गिव मी 40 एंड 26 इनटू 2, तो 40 प्लस 52, तो 27 अपॉन 2 इनटू 92. तो 2 ये 92 में कट होगा. 2 4 8 1 कैरी 2 6 12. So it will be 27 into 46. When you multiply, you will get 1242. So इसको rupees नहीं डालने का, because ये number of rows है. तो मिलेगा. Therefore the total number of seat in the auditorium are 1242. Rupees मत डालना, because जो seat रहता है वो rupees में नहीं आता. समझ में आया सबको? Anyone has any doubt? Very simple sum. एकदम easy है. देखो कुछ है नहीं तुम्हारा 10th standard का mathematics. The only thing you require is practice. ठीक है, चलो write down the solution.
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम नंबर 5. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, कारगिल वाला. ठीक है. आई वॉन्ट एवरीबडी टू रीड इट केयरफुली. जरा इसको केयरफुली, बहुत केयरफुली रीड करो. मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम. रीड करो एंड मेरे को बताओ कि तुम इसको कैसे सॉल्व करेगा. 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम सोचो. तो लेट्स रीड. क्या बोल रहा था कारगिल? टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. मतलब इट इज अ स्पैन ऑफ 6 डेज. मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ऑल रीडिंग्स वर इन एपी. देखो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेंटेंस. ऑल रीडिंग वर इन एपी मतलब देयर कॉमन डिफरेंस वॉज सेम. द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑन ट्यूजडे एंड सैटरडे. तो ये मेरा इक्वेशन है. तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. And again, if the temperature on Wednesday was minus 30 degree centigrade, then find the temperature on the other 5 days. So, मेरे को Wednesday का एक value दे के रखा है उन लोगों ने. तो हमको क्या करना है? सबसे पहले ना हमको assume करना पड़ेगा कि let the temperature on Monday be something. So, let us assume that the temperature on Monday be A, A degree. ठीक है? तो देखो कैसे start होगा. और ये सब AP में है. तो मैं assume करेगा. तो यहाँ पर है ना, मैं एक table बनाया तुम लोग के लिए for you to understand. Exam में table बनाने का जरूरत नहीं है. तो मैंने यहाँ टेबल में अज्यूम क्या किया, यहाँ टेबल में मैंने अज्यूम किया है कि मंडे का टेम्परेचर भी ए, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर विल बी ए प्लस डी, वेंसडे का टेम्परेचर विल बी ए प्लस 2D, थर्सडे का टेम्परेचर विल बी ए प्लस 3D, फ्राइडे ए प्लस 4D, सैटरडे विल बी ए प्लस 5D. ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऐड होते जाता है. अरे समझ में आ रहा है, ये लास्ट लेक्चर हमने सीखा था कि ये कैसे ऐड होता है. अभी नहीं मालूम तो लास्ट लेक्चर का जाके वीडियो देखने का. ठीक है, तो ये अपना मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का मेरे को मिल गया. नाउ लेट अस रीड द फर्स्ट इक्वेशन. वो क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे. तो अगर तुम ध्यान से देखेगा, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे मतलब इन दोनों का सम, मंडे एंड सैटरडे. तो मंडे एंड सैटरडे का सम मतलब क्या? एडिशन. तो मंडे प्लस सैटरडे मतलब ए प्लस 5D. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, दिस इज मंडे प्लस सैटरडे. क्या है? ए प्लस 5D. The sum of the temperature of Monday and Saturday was 5 more than. So equal to के बाद थोड़ा space छोड़ के plus 5. 5 more than the sum of the temperature of Tuesday and Saturday. मतलब कौन सा दो? Tuesday and Saturday का temperature. एक मिनट. हाँ, Tuesday and Saturday. तो Tuesday कितना था? A plus D plus Saturday is A plus 5D. So this is my equation number 1. तो ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ये मैंने लिख दिया. ए मतलब मंडे का टेम्परेचर, ए प्लस 5D इज सैटरडे का टेम्परेचर, इज इक्वल टू 5 मोर देन. तो स्पेस छोड़ के 5 डिग्री प्लस करने का. सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूजडे एंड सैटरडे. तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज मंडे, दिस इज सैटरडे, दिस इज ट्यूजडे, दिस इज सैटरडे एंड दिस इज एडिशन ऑफ प्लस 5. क्योंकि उधर बोल रहे थे इट इज मोर देन 5 डिग्री. I hope ये clear है. Anyone has any doubt, please let me know. ये important part है. ये आगे का सब simple. तो इसमें तुमको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा क्या है बोल के. मैं चाहूंगा कि जब तुम ये सम सॉल्व करेगा ना, तो मंडे ट्यूजडे जैसा मैंने लिखा है ना, वैसे साइड में किधर तो लिख के रखो कि मंडे का इतना है, ट्यूजडे का इतना है. तब तो तुमको क्या होगा मन में, सम एकदम इजीली समझ में आएगा. एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, तब तक तुम्हारा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया रहेगा. तो अब ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो ये जो भी के अंदर लिखा हुआ है वो सब इरेज हो जाए. तो a plus 5d will be equal to a plus d plus a plus 5d plus 5. तो a plus a is 2a plus 5d is equals to 2a plus 6d. तो ये 2a कट हो जाएगा. तो देखो ये जो plus 2a है equal to के दूसरे तरफ आ गया, ये plus 6d है equal to के दूसरे तरफ आ गया. तो उनका साइंस चेंज हो गया. तो plus 2a minus 2a will get cancelled. 5d minus 6d will give me minus d is equals to 5, so which can also be written as d is equals to minus 5 degree. So मेरे को common difference d का value मिल गया. Second equation क्या बोल रहा है? The temperature of Wednesday is minus 30 degree. Wednesday का temperature को हम लोग ने क्या assume किया था? Wednesday का temperature को क्या assume किया था? A plus 2d assume किया था. देखो ना इधर दिख रहा है क्या सबको? Wednesday का temperature सबको दिख रहा है, A plus 2d. Yes. तो मेरा सेकंड कंडीशन के हिसाब से a प्लस 2d इज इक्वल टू 30 डिग्री. अभी a प्लस 2d 30 है, यहाँ पर मेरे को d का वैल्यू मिल चुका है. यहाँ पर मेरा d का वैल्यू इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, दैट इज माइनस 5. तो ये माइनस 5 को मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देगा.
तो जब मैं माइनस फाइव को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देगा तो डी के जगह पर आएगा माइनस फाइव, तो टू इंटू माइनस फाइव विल गिव मी माइनस टेन, तो ए प्लस माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस थर्टी, तो माइनस थर्टी प्लस टेन इज माइनस ट्वेंटी डिग्री, तो मेरे को ए का वैल्यू मिल गया। लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए, मेरे को ए भी चाहिए, ए प्लस डी भी चाहिए, ए प्लस टू डी भी चाहिए, ए प्लस थ्री डी भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो सबका वैल्यू मैं निकालता हूँ। तो ए प्लस डी विल बी माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव दैट इज माइनस ट्वेंटी फाइव, ए प्लस थ्री डी देखो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का यू विल गेट आंसर एज माइनस थर्टी फाइव, ए प्लस फोर डी इज माइनस फोर्टी, ए प्लस फाइव डी इज माइनस फोर्टी फाइव। अरे समझ में आ रहा है? अभी तुम बोले सर ए प्लस टू डी तो हमने ढूंढा ही नहीं, अभी तुम्हारे मन में आएगा ए प्लस टू डी तो हमने ढूंढा ही नहीं, कोई बता सकता है इसका जवाब? ए प्लस टू डी हमने क्यों नहीं ढूंढा? माइनस थर्टी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो तुमको उसको ढूंढने का जरूरत नहीं है। एंड तुमको बोला भी क्या, मैं देखो फाइव डेज का वैल्यू मेरे को ढूंढ के दो, फाइव डेज मतलब वेंसडे को छोड़ के, क्योंकि वेंसडे इज माइनस थर्टी, इट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, तो मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये फाइव डेज का ही चाहिए मेरे को, एंड मैंने वो वैल्यू ढूंढ निकाला। तो मैं इधर लिख दूंगा सारा टेम्परेचर, तो द टेम्परेचर ऑफ द अदर फाइव डेज आर माइनस ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस, माइनस थर्टी फाइव, माइनस फोर्टी फाइव एंड माइनस फोर्टी, माइनस फोर्टी फाइव एंड सो ऑन। आई होप ये क्लियर है। एनी वन हैज एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट बोलो मेरे को फटफट। एनी डाउट? नो डाउट? राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरली ना स्कूल में एग्जाम में लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। इफ एनी चांस तुम्हारा स्कूल का एग्जाम होता रहेगा ना ये कोरोना के चक्कर के बीच में, तो यही सम आता है ये लेसन में से, मैक्सिमम स्कूल में लोग यही पूछते हैं। ठीक है, चलो लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, सम नंबर सिक्स। क्या बोल रहा है? ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेन्ज ऑन अ लैंड विच इज ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है, ट्राइंगल शेप है। Tree are planted such that in the first row there is only one tree, in the second row there are two trees, in the third row there are three trees and so on. Find the total number of trees in 25 rows. Total number of trees. So last sum of this chapter. Bolo total number matlab kya puchna cha raha hai wo? SN. तो SN मेरे को पूछना चाह रहा है, मेरे को कोई बता सकता है A क्या रहेगा? A फर्स्ट रो में कितना ट्री है? एक ही है। दूसरा रो में कितना ट्री है? दो है। तीसरा रो में कितना है? तीन है। तो चौथा रो में कितना रहेगा? फोर। फिफ्थ रो में कितना रहेगा? फाइव। ठीक है, तो देखो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड रो वाइज आर एज फॉलोज 1 2 3 4। तो द सीक्वेंस इज इन ए पी, तो मेरे को मिलेगा मेरा ए इज 1, D that is common difference 1, N is 25, N मतलब number of rows is 25. मुझे पूछ रहा है total number, total मतलब simple SN का formula, उठा के डाल दो S 25 is equal to 25 upon 2, तो 25 upon 2 का ना कभी solve नहीं करने का, वो फिर point में आता है answer, उसको वैसे रखो, तो 25 upon 2 bracket में 2 plus 24, तो 2 plus 24 will give me 26, तो 26 को cut करने का, तो मेरे को answer आएगा 13, तो मेरा next answer है 25 into 13, तो S 25 is 3, 2, 5. So total number of trees that will be planted in 25 rows will be 325. Very easy sir. किसी को कुछ doubt रहेगा, कुछ समझ में नहीं आया सर, बहुत difficult है, तो सर मेरे को बताओ, कुछ doubt रहेगा तो I will definitely help. कुछ doubt है किसको? Anyone has any doubt? Doubt है. बोल. खाली फुकट time pass. ठीक है, चलो. So doubt नहीं रहेगा तो last sum for the day. लिख लो ये sum. And thank you. इसके साथ अपना arithmetic progression का sub practice set with each and every sum solved will be completed. Yeah, thank you.